Sorry for being, a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in दिन 2020 की 2 लीटर किया स्पोर्टेज 4 जनरेशन के नाम किया स्पोर्टेज जो कि आपने काफ़ी देखी होगी और मेरा ख्याल अगर कहा जाए इस टाइम ट्रेंडिंग कार बनती जा रही है। आज का यूज़र रिव्यू हमें देंगे जैन सर्वर साहब जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपने इनको मेरी काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, काफ़ी रिव्यूज़ भी दिए हैं और ये काफ़ी शौक़ भी रखते हैं गाड़ियों का। तो चलते हैं जैन सर्वर साहब से पूछते हैं क्या किया स्पोर्टेज के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या इसकी फ्यूल एवरेज है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, रीसेल वैल्यू, सारा कुछ आपको बताएंगे। तो चलते हैं जैन सर्वर से पूछते हैं। जी ये मैं चंद दिन पहले लिए किया स्पोर्टेज 2020 का ये मॉडल और इसकी जो इनवॉइस है वो है 54, लेकिन आपको ये ऑन शॉन डाल के हर चीज़ करके मतलब प्ले स्टेट इसकी लगवा के आपको ये पड़ जाती है 60 लाख तक। और मैंने इसका बड़े लोगों से सुना था कि जी बड़ी अच्छी गाड़ी है किया स्पोर्टेज, आपने मुझे मतलब हर बंदा ही मुझे कहने लग गया था कि भाई आप अपनी प्राडो सेल करके ना किया स्पोर्टेज ले गए, क्योंकि वो था 2008 का मॉडल और वो भी 60 लाख। ये थी 2020 की फ्रेश गाड़ी, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी और वो यूज़ इतनी हुई हुई थी और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू भरी थी और मुझे हर बंदा ये कही जा रहा था कि आप ये ले लें। मैंने फिर लोगों से पूछा कि मतलब जिन मेरे दोस्तों वगैरह के पास थी, मैंने उनसे पूछा कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी है, इसकी ड्राइव कैसी है। तो मुझे खुद इसकी ड्राइव बहुत अच्छी लगी है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ गाड़ी है, ये हर चीज़ है इसमें, मतलब किसी चीज़ की है ही नहीं इसमें कमी। तो सैन साहब ये बताएं इसमें कितने मतलब ये गाड़ी में कितने वेरियंट्स आते हैं इंटरनेशनल भी और यहाँ कितने आ रहे हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इसके 2 आ रहे हैं, एक आ रहा है फ्रंट व्हील ड्राइव और एक आ रहा है ऑल व्हील ड्राइव। ये जो है ये ऑल व्हील ड्राइव और जो फ्रंट व्हील ड्राइव है वो ना आपको थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है, लेकिन ये महंगा है। व्यूअर्स को ये मैं बता दूं इंटरनेशनली इस गाड़ी के 3 तरह के इंजन आते हैं, पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड। पेट्रोल में टर्बो होता है, डीजल में भी टर्बो आता है और ये कि मगर पाकिस्तान में टर्बो का ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान में 2000 cc यानी 2 लीटर तक इसका आ रहा है, ठीक है। और ये है कि यहाँ टर्बो नहीं लॉन्च हुआ ना हाइब्रिड लॉन्च हुआ, इंटरनेशनल इसमें हालांकि हाइब्रिड यूनिट चल रहा है। जहाँ तक इसमें इंजन कैपेसिटी की बात की जाए तो 1600 पेट्रोल, 1700 डीजल, 2000 cc पेट्रोल, 2000 में डीजल भी आता है, फिर 2400 पेट्रोल भी इसमें आता है। तो एवरेज ये क्या दे रही है गाड़ी? एवरेज भाई जान ये दे रही है इस वक्त 4.8, मतलब 4 की एवरेज दे रही है क्योंकि मैंने बनाई गाड़ी। और अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो ये आपको 7, 8, 9, 10 तक भी देगी और लॉन्ग पे तो ये गाड़ी बहुत अच्छा देगी, मैं ये आपको सही बता रहा हूँ, मतलब लॉन्ग पे तो 12 तक जाएगी। और इसकी शेप के बारे में आप क्या कहते हो, मतलब शेप आपको अच्छी लगी इसकी? ज़रा बड़ी बड़ी बॉडी है, काफ़ी लोगों ने इससे पसंद किया है। बहुत खूबसूरत बॉडी है और जो गाड़ी है ना फॉर्चूनर, उससे तो ये 1000 गुना बेहतर गाड़ी है, क्योंकि आपको पता है पहले वो भी 60 लाख की होती थी, अब तो 90 तक ही पहुंच गई है। उसमें तो ये सनरूफ भी नहीं है, इसमें इतना खूबसूरत सनरूफ है इसका, इतना खूबसूरत स्टीयरिंग, वो तो मैंने एक दफ़ा ना उसकी ड्राइव ली थी, वो गाड़ी रखने वाली है ही नहीं आप ये समझें, मतलब उसका स्टीयरिंग इतना हार्ड है और इसका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इसकी ये 4th जनरेशन है और वीज़ा से ये हार गई है, मैं हैरान हुआ था कल
कि मैं उसके साथ रेस लगाया था और वीरल यहाँ थी और मैं यहाँ था, मतलब एक पूरी पूरी गाड़ी का उसने मुझे वाया दिया है वीरल ने। मैं ऐसा सोच नहीं सकता कि ये उससे आ जाएगी। मैं पहले उस बंदे को बड़ा कह रहा था कि भाई जान सोच समझ के आना, मैंने आपके साथ रेस लगानी है तो ध्यान से आना। वो बंदा जब आया है वो बड़ टोर से आया था कि उस वीरल है। मैंने कहा भाई मेरे पास स्पोर्टेज है आपको अभी बताता हूँ। जब मैं उसके साथ रेस लगाई ट्रैक पे, वो जनाब उधर पहुंचे और मैं पता नहीं किधर हूँ। फॉर्चूनर से ये हजारों गुना बेहतर है, मतलब फॉर्चूनर में पैनोरामिक सनरूफ नहीं। ये देखें आप इसको, ये करते हैं खुल जाता है, मतलब स्मूथ, हर चीज स्मूथ है गाड़ी में, मतलब हर चीज का ना एक एक फंक्शन है इस गाड़ी में। इसमें चार्जिंग प्लग्स भी पांच हैं, ये एक दो तीन और पीछे दो हैं। फॉर्चूनर में दो भी नहीं होने पूरे पूरे, मुझे तो ये भी उसका यकीन है। तो आपके ख्याल में रीसेल में कैसी है ये गाड़ी, मतलब कल को अगर बेचना चाहें तो ये लॉस कितना डेप्रिसिएशन करेगी या ये मतलब ऊपर जाएगी या क्या आपके ख्याल में? क्योंकि इस टाइम ऑन भी चल रहा है, इस पर मैं 2-2.5 लाख ऑन चल रहा है इसका जो AWD ऑल व्हील ड्राइव है, क्योंकि ये भी ऑल व्हील ड्राइव मॉडल है जो सबसे महंगा है। वैसे तो मेरे ख्याल से ना ये गाड़ी जिसके पास भी होगी वो बेचेगा नहीं बंदा, क्योंकि बहुत अच्छी गाड़ी है और अगर कोई बेचना चाहेगा तो बड़े आराम से उसकी हो जाएगी गाड़ी से। तो लेग स्पेस कैसी है भाई? लेग स्पेस आप देखेंगे मैं आराम से खुला डुल्ला होकर बैठा, और ये जो सीट है ये भी फुल पीछे है, सो ये वाली सीट ये भी पीछे है फुल, दोनों साइडों पर बंदा आराम से बैठ सकता है। और मेरे ख्याल से पीछे ना 3 लोग तक बैठ सकते हैं और पीछे भी बहुत अच्छी जगह है। पीछे भी अगर आपने किसी को बताना हो, जैसे कि हमारा पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, इन मुल्कों में अगर की बड़ी गाड़ी की बड़ी डिग्गी होती है तो वहाँ पे भी लोग अब बिठा लेते हैं अपने बच्चे या किसी और को बिठा लेते हैं, तो इस तरह बैठ सकते हैं आराम सुकून से। और पीछे बैठ के पैनोरामिक सनरूफ का बहुत अच्छा एक व्यू मिलता है। मैं बस यही दूंगा मैसेज कि ये गाड़ी आप ले लें, इस प्राइस में आपको कोई गाड़ी नहीं मिलती। ये बस आप अगर आपने की गाड़ी लेनी है 50-60 लाख के बीच में तो आप चुप करके ये वाली गाड़ी ले लें, ये बेस्ट गाड़ी है इस रेंज में। जी गाइस, तो ये था आज का हमारा एक शॉर्ट सा यूज़र रिव्यू। इंशाल्लाह इसका प्रॉपर रिव्यू मैं ज़रूर करूँगा। जो कोई चीज़ें हैं आप ज़रूर मुझे बताइएगा, कमियाँ ज़रूर हो सकती हैं। और ये कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये कि कमेंट्स, कई लोग कहते हैं आप जवाब नहीं देते, कमेंट का थोड़ा सा होता है आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, जवाब ज़रूर देंगे मगर थोड़ा लेट ज़रूर हो सकता है। दुआ में याद रखिएगा ऐसी अच्छी वीडियोज़, रिव्यूज़, कंपेरिज़न, यूज़र रिव्यूज़ और भी काफ़ी कुछ आपके लिए लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।